तो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ गेम। सबका फिर से स्वागत है सिद्धार्थ गेम। तो गाइस आज वीडियो में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं भाई। हम निकल जाते हैं सुबह सुबह अपने घर से एज फ्रैंकलिन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी बंदे चल पाए चलो कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट, जिससे मिले आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो हम पहुंच जाते हैं भाई लॉस एंजेलिस सिटी में। यहाँ पे बहुत हल्ला वल्ला हो रहा था, आदमी भाग रहे थे। तो फटाफट से मैं अपनी पावर यूज़ करता हूँ, पावर यूज़ करके आगे बढ़ के देखता हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मरना। तो भाई आगे ज़्यादा जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिलता है एक रेड हल्क, सुप्रीम गॉड रेड हल्क। ठीक है, नॉर्मल रेड हल्क नहीं था, सुप्रीम गॉड रेड हल्क था। तो चलो इसकी चुपचाप से बातें सुनते हैं, ये क्या कह रहा है और क्या इसकी मांग है। मुझे नहीं लगता मेरे पास बहुत पावर है, मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। पुलिस का हेली पकड़ता हूँ सबसे पहले, ये बहुत उछल रहा है। अब बताओ तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे कोई मार पाएगा? मैं बहुत पावरफुल हूँ, हेली की पावर से उड़ूंगा मैं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरे को ग्रीन हरा धनिया चाहिए। अरे तो भाई इसे भी हल्की चाहिए, जो पुराने वाले रेड हल्क की थी मांग, उसको भी वो ही चाहिए, क्योंकि ये भाई सुप्रीम गॉड रेड हल्क है। इसको भी पता चला होगा कि इसकी जाति वाले को हल्क ने मारा है, तो इसलिए भाई इसको हल्क चाहिए। तो मैं फटाफट से यहाँ से भागते हैं। और भाई ये टेम्पल में जाने की बात कर रहा था, तो गॉड टेम्पल में तो इसका मतलब कोई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई जा नहीं सकता। तो फटाफट से चलते हैं एक और सीक्रेट बेस, जहाँ पर मुझे पता है जहाँ पे अपन जिनको भी मारते हैं, जो भी एलियन वेलियन रहते हैं उनको रखा जाता है। तो फटाफट से वहीं चलते हैं। तो गाइस यहाँ पहुँच गए, अंदर चलते हैं इसके गुफा के अंदर। यहीं पे एक जगह है सीक्रेट बेस, अगर तुम लोगों को भी नहीं पता तो ये लोकेशन मार्क कर लो अपने मैप में। यहाँ पे जाना तो तुम लोगों को भी एक सीक्रेट बेस मिलेगा। फटाफट से यहाँ पे अपन पहुँच जाते हैं। गाड़ी भाई बहुत गंदी हालत में हो गई थी, क्योंकि बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फटाफट से चलते हैं अपन गेट से अंदर। गेट से अंदर चलने के बाद पहुँचते हैं अंदर। अरे सोनिक भैया कहाँ पे हो? सोनिक भैया जेल में घुसे हो क्या? यहाँ तो कोई कैदी वैदी भी नहीं है, कहाँ हो सोनिक भैया? आई एम हेयर। अरे सोनिक भैया तुमको पता है लॉस एंजेलिस सिटी में रेड हल्क आ गया, सुप्रीम गॉड रेड हल्क, और वो ग्रीन हल्क को ढूंढ रहा है। कहाँ है ग्रीन हल्क, फटाफट बताओ मुझे। फिर से लड़ाई करनी पड़ेगी? ये भाई ये अच्छी बात नहीं होती, हर बार मुझे को लड़ना पड़ता है। लो ये सावर सा चलने लगा, गोल्डन गोल्डन सावर नहीं है, तुझे सूट मिल रहा है, थोड़ी सबर कर, सबर का फल बहुत मीठा होता है, रुक जा जरा। बाप रे मेरे को तो हल्क बस्टर सूट मिल गया भाई साहब, ये इतना बड़ा है कि इसकी मुंडी देख भी नहीं पा रहा मैं तो कैमरे में। अरे भाई बहुत बढ़िया, अब तो मैं उसको मार ही दूंगा यार, लेकिन मेरी वॉइस क्यों चेंज हो जाती है हर बार जब भी मुझे कोई सूट मिलता है। कोई नाम फटाफट जोड़ के चलते हैं भाई गोल्ड टेम्पल के पास और रेड हल्क को मारते हैं, क्योंकि हल्क बस्टर बहुत पावरफुल होता है, रेड हल्क को मार सकता है, सुप्रीम गॉड रेड हल्क को भी मार सकता है। सबसे पहले तो ले पावर पंच, अब बता कहाँ गया? अरे भाई उतनी दूर उड़ के फिंक गया, अभी तो बड़ी पावर पावर। अरे यार मैं ज्यादा बोल गया ना, रुक जाओ गाइस फिर से देता हूँ पंच। अब बता अब तो फिर से फेंक गया, बता बहुत पावर पावर कर रहा था ना, बोलना अपनी पावर कहाँ गई तेरी पावर, बहुत पावर पावर कर रहा था, अब उठ के आ, क्या हुआ तेरी पावर को? ले एक और पावर पंच, अब बता इसको साले को उठने नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे पंच मारूंगा ना, ऐसे ऐसे पंच, उठ भी नहीं पाएगा। ले एक और पंच, अब बता अब उठ के देगा छोटे बच्चे रेड हल्क, रेड हल्क सुप्रीम गॉड रेड हल्क, भाई अपना नाम चेंज करके बुटकू रेड हल्क कर ले, बुटकू रेड हल्क भाई, तुझसे ज्यादा पावर तो रे है हल्क बस्टर में, तुझमें तो पावर भी नहीं है, सुप्रीम गॉड बोल रहा है अपने आप को, सुप्रीम गॉड है, पकड़ लिया। अभी तक तो बच्चे में तेरे साथ खेल रहा था, अब देख मैं तुझे मारना शुरू करता हूँ, अब तू उठ के देखा जो तेरा टीम का डिब्बा मुझे मारेगा। वो तो गलती से मुझसे सूट तरह संभला नहीं, अब उठ के दिखाओ, ज्यादा बोल रहे थे ना पावर पावर, अब उठो लो फिर से एक और पंच ले लो। मिसाइल से तो तुमको कुछ होता नहीं है मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें मिसाइल तो मारूंगा नहीं, तुम्हें तो पंच ही पंच मारूंगा, कहाँ उड़ के फिंक गए? अरे अंकल डर गए क्या, उड़ के चले गए? आओ फिर से बताता हूँ, फिर से एक और लात ले लो, लो सुपर पंच नहीं अब सुपर लात खा लो, फिर से फिंक गए ना, बच्चों से लड़ना नहीं चाहिए अंकल, अच्छी बात नहीं होती, अब कहाँ उड़ के चला गया? अरे ढंग से लड़ाई कर लेना सामने रह के, ले एक और पावर पंच ले ले, कहाँ चला गया अब बता, बहुत बंच बंच कर रहा था ना, बहुत पावर पावर, अब कहाँ गई तेरी पावर, रुक जा रेलवे ट्रैक पे भी मारूंगा तुझे, एक और पावर पंच ले ले, ले अब बता, बहुत पावर पावर कर रहा था, ले बाबा।
मुझे पता चला है कि रेड सुप्रीम गॉड हल्क आया है मुझे ढूंढता हुआ, और मेरे दोस्त फ्रैंकलिन को भी बहुत मार रहा है। कहाँ है तू? सुप्रीम गॉड बना फिर रहा है? बहुत सुप्रीम गॉड बन रहा है, मुझसे लड़ेगा। मैंने तेरे लड़के को इसलिए मारा था क्योंकि वो लॉस एंजेलिस तो उसको बर्बाद कर रहा था, और तू भी बर्बाद ही कर रहा है। अपने आप को गॉड बोल रहा है, मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पा रहा? ये कौन सी पावर है? तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा, मेरे पास पावर है कि मुझे जो भी पकड़ने जाता है वो खुद गिर जाता है, या मुझे तू मारेगा तो तुझे खुद भी डैमेज मिलेगा। अब मार के दिखा। बात नहीं, मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन पावर पंच तो मार ही सकता हूँ। अच्छा, तू पावर पंच को भी फेल कर सकता है? रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ तू मेरी कितनी पावर फेल कर सकता है, फिर भी मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि मैं हूँ हल्क। चाहे तू सुप्रीम गॉड रेड हल्क हो, चाहे जो, अगर तू गलत काम करेगा तू जरूर कुटेगा। तुझे पकड़ नहीं सकता तू क्या हुआ? रुक जा, तुझे फिर भी मारूंगा। मैं पंच तो चला सकता हूँ, अपनी पावर तो यूज कर ही सकता हूँ ना। कोई बात नहीं, मुझे डैमेज थोड़ी पड़ भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। खड़ा क्यों हो गया? मारना इसलिए हो गया क्योंकि देख रहा हूँ तू कैसे मार रहा है। रुक जा, तुझे मारना स्टार्ट करता हूं। क्या मारेगा मुझे बूढ़े फूफा? मैंने तुझे पकड़ लिया, अब रुक जा, बताता हूँ मैं तुझे रियल पावर हल्की। अब उठ के देखा, अब मैं तुझे पकड़ सकता हूँ। मुझे पता चल गया कि गामा चार्ज करने के बाद मैं तुझे पकड़ सकता हूँ। तू मार मुझे कितना मारेगा, मैं तुझे मैं फाइनली एक और मारूंगा ना, तू मर जाएगा। मेरी पावर नहीं जानता तू, रुक जा। अब उठ, तू ले पानी में फेंक दिया, अब उठ, अब तुझे पानी में ही मारूंगा। गुम्मा मारेगा मुझे ना, पत्थर मारेगा। ले अब उठ ना, रुक जा, मैं तुझे फिर पकड़ूंगा। मुझे पता चल गया क्योंकि गामा चार्ज करके मैं तुझे मार सकता हूँ। रुक जा, तुझे पहले पानी से बाहर ले चलते हैं, फिर मारते हैं। ऐसे थोड़ी धोएंगे, चटनी बना के धोएंगे भाई, चटनी बना के। तू ना मेरे फ्रैंकलिन को मारा कैसे? ओ बेचारा बच्चा, तू उसको मार रहा है। तू तो दो पीसों में बट गया रे, क्या हुआ? खत्म हो गया क्या? इतनी जल्दी मर गया? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, और सुप्रीम गॉड रेड हल्क तो चित हो गए चारों खाने। तो अब मैं तुझको पानी में छोड़ के आता हूँ, जिससे तू फिर से ना आ पाए लॉस एंजेलिस में। तेरा लड़के को तो मैंने मार ही दिया था, तुझे भी मार दिया। वापस कभी मत आ जाना लॉस एंजेलिस में, नहीं तो तुझे इतना बुरा मारूंगा ना फिर से, तू बिल्कुल भूल जाएगा। तू जा जो पानी की गहराइयों में चला जा। तो चलो गाइस, फटाफट से अपन अपने फ्रैंकलिन को देखते हैं। वो बेचारे को लग गई होगी, इस हल्क ने बहुत मारा बेचारे को। बस्तर बस्तर में पावर होती नहीं है, टीन का डब्बा लेके आ गया मारने। ये नहीं कि मुझे कॉल कर लेता, वैसे मेरे पास फोन नहीं रहता, फिर भी बता देता मुझे आके। कहाँ है? हाँ, क्या हुआ फ्रैंकलिन? कैसा फील कर रहा है? उठ जा, खड़ा भी हो जा। चला गया वो हल्क? अच्छा चला गया क्या? मैं सोच रहा था अभी भी है। अब मैं तो चलो गाइस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो भी बहुत लंबी मिल जाना है। वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय।